शिवपुरी विकास यात्रा में शामिल होने शिवपुरी पहुंची कैबिनेट मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक यशोधरा राजे सिंधिया, जहां सबसे पहले शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में ब्लड बैंक का उद्घाटन किया। वहीं यशोधरा राजे सिंधिया ने मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीज और उनके परिजनों से भी वार्तालाप की। वहीं भूमि पूजन कर विकास यात्रा की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सबसे पहले ठाकुरपुरा में भूमि पूजन किया गया, उसके बाद वार्ड नंबर 2 और 3 पुराने टोल से लेकर VTP स्कूल तक CC रोड पर नाली खराब होने के चकवे नव रोड का कार्य कर पूजन करके शुरू की। वहीं ठंडी सड़क पर भी खराब रोड होने के कारण उस रोड का भी पूजन कर निर्माण कार्य शुरू कराया गया। अंत में स्टेडियम में चल रहे कार्य को लेकर नाराजगी जताई, जहां ठेकेदारों की मनमानी के चलते समय पर पूरा कार्य नहीं मिला तो गुस्सा भी मंत्री ने जताया। मोनू नामदेव, शिवपुरी। हाँ जी, ये जो विकास यात्रा शुरू हो रही है, क्या कुछ कार्यक्रम कहाँ कहाँ रहे? पहले तो एक पुन्याई के साथ शुरू हो रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा हमेशा रहती है कि ऐसे लोगों की मदद करो जो खुद अपनी मदद नहीं कर पा रहे हैं। आज सबसे मुझे लगता है अद्भुत चीज हो रही है कि दीवान सुरेंद्र लाल जी के नाम से आज उनके पुत्र श्री अरविंद लाल यहाँ निशुल्क खाना देने वाले हैं अपने सब पेशेंट्स को। यहाँ आज तक ये सुविधा नहीं मिल रही थी, और आज जो हम लोगों ने खाना शुरू किया देना दोनों लंच और डिनर के लिए, वो एक बहुत बड़ी सुविधा होगी हमारे हॉस्पिटल के लिए। और इसी के क्रम में हम लोग आज विकास यात्रा शुरू कर रहे हैं। 3 वार्ड लेंगे आज, जिसमें रोड और नालियां और वो सब की शुरुआत होगी। उसके बाद ग्रामीण में जा रही हूँ मैं। विकास यात्रा चलती रहेगी। मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि जल्दी से जल्दी विकास के काम शुरू हो और भूमि पूजन जल्दी हो, ताकि जो सरकारी अमला है उसको समय मिले हर विकास का काम ठीक से करने के लिए, उसकी गुणवत्ता को ठीक से देखने के लिए। और इसी तरह से आज हमारी शिवपुरी की विकास यात्रा शुरू हो रही है। धन्यवाद सबका। आज ब्लड बैंक भी यहाँ शुरू हुआ है। मुझे लगता है कि ये हॉस्पिटल, ये जो मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने जिस विजन के साथ, दृष्टिकोण के साथ हमने इसको बनाया था, वो था कि पूरा गुना एरिया, ग्वालियर तक आसपास के सारे इलाकों का कम से कम 200 किलोमीटर के परिधि में हम लोग अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। पर ब्लड बैंक मिसिंग था, ब्लड की जांच मिसिंग थी इसमें। तो आज एक बहुत बड़ी चीज शुरू हुई है मेडिकल कॉलेज में, और वो है ब्लड बैंक, जिसमें अब पेशेंट्स के ब्लड की जांच हो सकती है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, इन हाउस ये सारी चीजें होंगी। तो एक बहुत बड़ा पुर्जा आज ब्लड बैंक के माध्यम से इस मेडिकल कॉलेज में बसाया जा रहा है। बहुत धन्यवाद। भूमि पूजन की पट्टिकाओं पहले से ही उसका कर रही हूँ, ताकि विकास काम शुरू हो जाए। और मेरी वजह से, मेरी व्यस्तता या कुछ भी कहो आप, मेरी वजह से विकास काम रुके ना। तो इसीलिए आज से जो भी काम होंगे, मैं जनता को कह रही हूँ और आपके माध्यम से मैं अपील करूंगी कि हर चीज जो लगे, और जिसकी भूमि पूजन आज हो रही है, प्राइमरीली जो अपने रोड्स हैं शहर में, प्लीज कृपया इसकी गुणवत्ता देखो, इसको मॉनिटर करते रहो। क्योंकि 3 साल के बाद आप कहोगे कि खड्डे हो गए, मैं पैसा नहीं ला पाऊंगी उन रोडों को फिर से करने के लिए। मैं वही उदाहरण देती हूं आप लोगों को कि जहां 29 PWD रोड बने, बाढ़ के बाद भी एक रोड पे एक खड्डा नहीं आया, ना एक छोटा छेद आया। तो अगर हम 29 रोड कर सकते हैं, और वो भी इतनी चौड़ाई पे और इतने बढ़िया गुणवत्ता पे, तो नगर पालिका की रोड भी हो सकती है। लेकिन नगर विकास को लेकर जो अभी स्टैंडर्ड प्रक्रिया हो रही है, उसमें लगातार 40% 50% फ्लो को लेकर भी मामला क्वालिटी को लेकर कम हो जाता है। आपने सही कहा और सही पॉइंट आपने किया
इसमें कल ही रात को, देर रात को हमारी और कलेक्टर साहब की बैठक हुई थी, और सीएमओ नगर पालिका और हमारी अध्यक्ष, और यही पॉइंट मैंने लाया सामने कि मैं 40% 50% 60% 60% पे भी गया है, तो कैसे आप काम कर पाओगे 40% में, क्या 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 मटेरियल ला पाओगे उसमें। तो हमने अब नए नियम हम निकाल रहे हैं, और शायद पुरानी टेंडर्स हम रद्द भी कर सकते हैं कि ऐसे आप लोग को साथ देना है प्रशासन को इसमें, क्योंकि जब आप ही पॉइंट निकाल रहे हो तो आपको भी हमारा साथ देना पड़ेगा, और जनता को भी बताना पड़ेगा कि ये संभव नहीं है, गुणवत्ता के आधार पे संभव नहीं है। तो इसीलिए मैंने तो कलेक्टर साहब से कहा है कि जहां जहां हो सके नियम अगर अलाव करेगा तो आप टेंडर को रद्द करो, और फिर से नए नियम बनाकर, अभी हाल ही नए नियम बनाकर, पर इतने परसेंटेज के बिलो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमने ये डिसाइड करा था। एक हमारे कमलनाथ अभी पेराड़ा आए थे।